जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गुरुवार को हॉट स्पॉट क्षेत्र सुकनहा बेलीपार तथा बाघागाड़ा से फोर लेन सड़क निर्माण तथा कौड़ीराम सीएससी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सबसे पहले फोर लेन सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए एनएचआई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात के कारण जगह जगह पर जो गड्ढे बने हैं उनको ठीक कराकर सड़कों को मोटरेबल किया जाए तथा जहाँ जहाँ एक साइड की सड़क बन चुकी है उसे संचालन के लिए खोल दिया जाए जिससे आवागमन में दिक्कत ना हो। इसके बाद जिलाधिकारी हॉट स्पॉट क्षेत्र सुकनहा बेलीपार का निरीक्षण कर कोरोना पॉजिटिव के परिवारजनों से मुलाकात की और वहां उपस्थित एमवाईसी को निर्देशित किया कि सभी का सैंपल अनिवार्य रूप से लिया जाए। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने कौड़ीराम सीएससी का निरीक्षण कर ईटीसी सेंटरों की जानकारी ली तथा उप जिलाधिकारी बांसगांव को निर्देशित किया कि पीकू मिनी पीकू का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ये 8 साल बेटी केवल अकेले कैसे वो सैंपल के लिए दी भाई? कोई तो गए होंगे साथ से। सभी का चेक होना है भाई, लापरवाही क्यों करते हो? बंद करो पहले मुंह बंद। अरे बंद करिए, मास्क लगाइए पहले। मुंह बंद कर, नाम लिखा है एक खाली बच्चे। कहाँ कराए हम लोग? पांचों लड़की का कराए ना। बाकी लोग क्यों नहीं किए? अरे बाकी लोग का नाम ही नहीं है। क्या नाम नहीं है? जेल जाना है क्या? नहीं, 9 दिन रहना होगा, 14 दिन के बाद छुट्टी हो जाएगी। जो आपका टीम है रोजाना दो टू रोड जा रही है, वो कहाँ कहाँ जा रही है? तो मनासी का लिस्ट बनाया है, अब उन्हीं के चेक करवाना है, रैंडमली भी चेक करो, ज्यादा आपको लगता है तो सबको करना, सबको भी कर लो, एक बार पुष्टि हो जाएगा उन लोग का अंदर कोरोना है क्या नहीं। खासतौर पर ये कस्बा है ना, जो कहाँ कहाँ जो आपको सिविल कोड भी चलता है ना, खराब है यार वहाँ यार, रिकॉर्ड रूम एक शिफ्ट होना है वहाँ का, जो स्टैम्प वाले का ऑफिस है ना दफ्तर।